पर की गई थी छापेमारी। एनसीईआरटी की टीम भी रही मौजूद। छठी से बारहवीं तक के सभी विषयों की किताबों की बरामदगी हुई है। सिटी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एनसीईआरटी की टीम द्वारा इन नकली किताबों को अपने कब्जे में लेते हुए मंगला बुक डिपो के संचालक गौरव अग्रवाल पुत्र महेश चंद्र निवासी मकान नंबर 16 राधानगर बल्लभगढ़ के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाना शहर बल्लभगढ़ में प्रतिलिपि अधिकारी अधिनियम के तहत आपराधिक अभियोग में अंकित कराया गया है। देखिए, ये खबर मिली थी कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो कुछ लोग अलग किसी प्रिंटर से छपवा कर, जिनको हम फेक की कैटेगरी में लेते हैं, वहाँ पर बेची जा रही हैं। जिस संबंध में एनसीईआरटी के दिल्ली ऑफिस से संपर्क किया गया था, वहाँ से उनकी विजिलेंस टीम आई थी, उनके साथ मिलकर ये लोकल पुलिस को साथ में लेकर इस पर रेड की गई थी। रेड ऑन जो बुक्स सामने आई, एनसीईआरटी की जो टीम आई थी उन्होंने उन बुक्स को चेक किया। जब उन्होंने कंफर्म किया कि ये बुक्स फेक हैं, तो उन बुक्स के ऊपर कार्रवाई की। नहीं, फेक से मतलब क्या है कि इसमें प्रिंटिंग मटेरियल कुछ और होता है या किस तरह से? फेक का ये मतलब है कि एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर प्रिंटर से अपनी बुक छपवाती है, जिसमें क्वालिटी ऑफ पेपर, क्वालिटी ऑफ इंक, कंटेंट्स, इन सब का ध्यान रखा जाता है। ये लोग कई बार उस जो दूसरे लोग हैं, ये उन बुक्स को एक तो लो क्वालिटी में छापते हैं, लो पेपर होता है क्वालिटी का, प्लस जब उसको पीडीएफ, उसको प्रिंटिंग वाले मटेरियल में चेंज करते हैं सॉफ्टवेयर में, तो कई बार कोई गलतियां रह जाती हैं, जिस कारण से बच्चों को नुकसान हो। ये अभी एक बुक स्टॉल के खिलाफ किया गया है और बल्लभगढ़ में है बुक स्टॉल, अभी मंगला बुक स्टॉल है इसके नाम, और जो कॉपीराइट एक्ट के अंदर अभी दर्ज हुआ है मुकदमा, बाकी है तफ्तीश चल रही है, आगे जो जो आएंगे उनको इन्वॉल्व होते रहे। इस मामले में ये आपको लोकल पुलिस से तो पता करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन इसकी अब लोकल पुलिस का। कितने बुक्स बरामद हुई? लगभग 5600 बुक्स बरामद हुई है वहाँ पे, विभिन्न विषयों की और विभिन्न क्लासेस की है। ये फर्स्ट से ट्वेल्थ तक की हैं, 5600 बुक्स हैं, अलग अलग क्लास की, अलग अलग विषयों की हैं। तो क्या इस तरह के